कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शासन प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा है। जनता को जागरूक करने, समझाइश देने से लेकर किस तरह उनकी मदद हो जाए, यह प्राथमिकता नजर आ रही है। ऐसा ही एक नज़ारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शनिचरी बाजार में देखने को मिला, जब कलेक्टर अंकित आनंद और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव अपने दल बल के साथ लोगों को जागरूक करने और समझाइश देने के लिए निकले थे। इसी दौरान सड़क पर एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी, जबकि सब्जी बेचने का निर्धारित समय पूरा हो चुका था। बुजुर्ग महिला को देखकर कलेक्टर अंकित आनंद ने उसे सब्जी बेचने का समय पूरा होने का हवाला देकर बंद करने के लिए कहा, लेकिन बुजुर्ग महिला ने विनती की। इस पर कलेक्टर ने अपनी जेब से 200 रुपये निकालकर उसे देते हुए उसकी सारी सब्जी खरीद ली। बुजुर्ग महिला छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध खट्टा भाजी बेच रही थी। महिला को समझाइश देकर उसे मास्क पहनने के लिए कहा गया और मास्क दिया गया, लेकिन महिला ने मास्क पहनने से ही इनकार कर दिया और अपने घर की ओर वापस लौट गई। ये कितना रुपए का है? 10 रुपए का है। ठीक है ना, ये सब दे दो, घर में दे दो, घर जाओ। ये रखो 200 रुपए और जाओ, घर जाओ। बीमारी नहीं है, दूसरा बीमारी है ना, तो मैं आ जाइए। चलो